हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। लास्ट वीडियो लंबी सी दी थी, जिसमें आपको क्या पढ़ाया था, पूरा रेजोनेंस समझाया था कि किस तरीके से सर्किट, एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिन पे आप रेजोनेंस करा सकते हो। अब हम लोग क्या देखेंगे, उसमें मैंने रेडियो ट्यूनिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया था, तो रेडियो ट्यूनिंग बताऊँगा मैं आपको, बैंडविड्थ बताऊँगा इस वीडियो में, और पढ़ाएंगे क्या क्वालिटी फैक्टर। इस तरीके से ये तीनों चीज़ें ख़त्म करेंगे इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि मोस्टली इसका पार्ट जो है वो हम कवर अप कर चुके हैं रेजोनेंस में। तो जिन्होंने रेजोनेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो इससे प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके प्ले कर लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, जब भी आपको रेडियो ट्यूनिंग वगैरह समझ में आएगी। तो रेडियो ट्यूनिंग में क्या होता है, रेडियो ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि आप रेडियो में ट्यून इन कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। मतलब मान लो आपको 92.7 बिग एफएम सुनना था, तो 92.7 बिग एफ एम आप जब भी सुन सकते हो जब रेडियो में एक नॉब होता है ना, इस तरीके का नॉब होता है, उस नॉब को हम रोटेट करते हैं तो झरझर झरझर की आवाज़ आती है किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। जब वो गोला घुमाते घुमाते ऐसा कुछ होता है कि गाना बजने लग जाता है, साफ गाना सुनाई देने लग जाता है उस टाइम पर आपको। तो वही कंडीशन क्या होती है, वो होती है रेजोनेंस की कंडीशन। यानी कि हम क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जिस पर मैंने आपको बताया था कि एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें क्या करनी होती है, जो अटेन करनी होती है फ्रीक्वेंसी। अगर आपने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दी, उस टाइम पे रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस के केस में होता क्या था, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल जो है वो किसके बराबर हो जाता था, एक्सी के बराबर हो जाता था। ये बातें पढ़ाई गई थी आपको। तो हम क्या करते हैं रेडियो ट्यूनिंग में, सबसे पहले हम नॉब को रोटेट करते हैं। उस नॉब को रोटेट करने से क्या कर रहे हैं हम लोग, सी या एल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सी और एल की वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हैं, हमने ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा फार्मूला पढ़ा था ना, ओमेगा का फार्मूला होता था वन अपॉन अंडर रूट एल सी। ये फार्मूला है ओमेगा का। तो अगर मैं एल और सी या इनकी किसी एक की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो मैं ओमेगा की वैल्यू चेंज कर पाऊँगा। ओमेगा की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, जब ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा नॉट दैट इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तो उस टाइम पर कंडीशन कौन सी आ जाएगी, रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, इसका मतलब उस टाइम पर करंट जो है वो क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। रेजोनेंस की कंडीशन में बताया था ना, करंट मैक्सिमम होता है, पावर मैक्सिमम होती है। तो जैसे ही करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा रेडियो के अंदर और उसकी पावर मैक्सिमम हो जाएगी रेडियो की, तो आपको गाना जो है वो क्लियरली क्या देने लग जाएगा, सुनाई देने लग जाएगा। इस तरीके का कुछ रेडियो होता है, ये एसी सोर्स है जहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, यानी कि नॉब से कनेक्टेड होता है। ये रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर हो गया। इस तरीके का कुछ एंटीना होता है जिसमें क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं। हम लोगों को क्या करना है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। जैसे मान लो 93.5 लगाना था, तो 93.5 जैसे ही मैं नॉब पे एडजस्ट करूँगा तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है 93.5। जब मैं रेडियो की फ्रीक्वेंसी 93.5 कर दूंगा तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, रेडियो क्या हो जाएगा उस टाइम पे, रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाएगा, करंट और पावर मैक्सिमम हो जाएगी और आपको क्या सुनाई देने लगेगा, गाना उस फ्रीक्वेंसी पे जो चैनल चल रहा है उस पे वो सुनाई देने लगेगा। ठीक है, ये बात होती है। यहाँ पे वही समझा रखा है कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जैसे देखिए हम लोग 93 से सेट करते हुए ला रहे थे, मुझे 93.5 करना था, तो जब मैं 93.2 पे होऊंगा, ज़रूरी नहीं 93.2 ही हो, कोई भी मतलब एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, जिस पर करंट की वैल्यू क्या होती है, I0/√2 होगी। और कम लेंगे तो और कम होगी, और कम होगी, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे I0/√2 होगी। मैंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जिस टाइम पे करंट की वैल्यू और बढ़ेगी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी जो कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, बिकॉज द सर्किट इज़ इन रेजोनेंस। फिर और आगे चले हम लोग E0 से, अगर आप और आगे बढ़ा दोगे, मतलब देखा है ना कि वहाँ नहीं रुका मैं 93.5 पे, अगर नहीं रुके और अगर उसको आप नॉब को घुमा देते तो गाना फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है, वो फिर से झरझर झर की आवाज़ आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप आगे चले गए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से तो फिर से करंट की वैल्यू घट जाएगी और आई मैक्स ना रह के क्या हो जाएगी, I0/√2 हो जाएगी या उससे भी कम हो जाएगी। करंट जब तक मैक्सिमम है, जब तक ही सर्किट रेजोनेंस में है, या जब तक सर्किट रेजोनेंस में जब तक करंट मैक्सिमम है, और जब करंट मैक्सिमम है तो पावर मैक्सिमम है, और पावर मैक्सिमम है तो आपको गाना बिल्कुल बढ़िया सुनाई देगा रेडियो के अंदर। तो इस प्रिंसिपल पे, रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे क्या करता है रेडियो ट्यूनिंग जो है वो काम करती है। अब देखते हैं बैंडविड्थ के बारे में कि बैंडविड्थ क्या होती है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच पावर इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू और करंट इज I0/√2। बोला है कि वो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे पावर क्या है, हाफ है मैक्सिमम की, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे पावर मैक्सिमम होती है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे पावर जो होगी वो इसकी हाफ होगी, मतलब यहाँ पे पी मैक्स बोल रहा हूँ मैं, पी मैक्स बाय 2 होगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो
उन दोनों फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट बोल दिया मैंने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और ओमेगा वन बोल दिया उस फ्रीक्वेंसी को जिसमें पावर मैक्सिमम पावर की आधी है, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस मैं निकाल देता हूँ तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। डिनोट करते हैं डेल ओमेगा से, भी ग्राफ में दिखाएंगे। और इसका फॉर्मूला होता है, ये हमें पता नहीं करना कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ये हम डायरेक्ट याद करके चलेंगे, डेरिवेशन नहीं है इसका सिलेबस में। डेल ओमेगा का फॉर्मूला होता है आर अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस अपॉन इंडक्टेंस। देखिए ये एक फार्मूला है, जैसे हमने बोला कि ओमेगा ये है और यहाँ पे क्या है, हमने आई नॉट की वैल्यू प्लॉट कर रखी है, करंट की वैल्यू प्लॉट कर रखी है। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, ओमेगा नॉट पे जाके करंट की वैल्यू क्या होगी, ये ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा नॉट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओमेगा नॉट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। और ओमेगा वन पे बोला मैंने कि करंट की वैल्यू जितनी है यहाँ पे, यानी कि आई नॉट मैक्स है, उसका आधा यहाँ पे करंट नहीं पावर, पावर आधी है यहाँ पे, पावर की टर्म्स में डिफाइन करा हमने, पावर इस टाइम पे आधी है। तो इस टाइम पे जो भी फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा वन और ये ओमेगा नॉट, इसी के डिफरेंस को क्या बोल देते हैं हम लोग, बैंडविड्थ बोल देते हैं, जो कि यहाँ पे इंडिकेट करके दिखा रखा है। तो चाहे तो आप डेल ओमेगा को ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन लिख सकते हो, या फिर ओमेगा टू माइनस ओमेगा नॉट लिख सकते हो, सॉरी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन लिख सकते हो, या ओमेगा टू माइनस ओमेगा नॉट भी लिख सकते हो, क्योंकि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ही तो है। तो यहाँ पे भी तो पावर आधी है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे भी, तो ये भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता था, आई नॉट स्क्वायर मैक्स इंटू आर बाई टू, एक फ्रीक्वेंसी पे पावर इसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इसका आधा मतलब अपॉन टू और कर देंगे, यानी कि बाय फोर, यानी कि पी मैक्स बाय टू हो जाएगा उस फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन हुई है और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये हुआ है, उन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल देंगे, उसी को बैंडविड्थ बोलते हैं, डिनोट करते हैं डेल ओमेगा से। डेल ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, आर अपॉन एल इसका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। तो बैंडविड्थ के केस में क्या होता है, क्या क्या मतलब है बैंडविड्थ का, कि करंट जो है, जब करंट की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू से लेके आई मैक्स होती है और फिर घट के आई नॉट बाई रूट टू हो जाती है, आरएमएस वैल्यू जिसे हम लोग बोलते थे, और पावर की वैल्यू जब आई नॉट बाई रूट टू होता है तो पावर उस टाइम पे पी मैक्स बाई टू होती है, और फिर वो बढ़ के पी मैक्स होती है एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की, और फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से अगर आप आगे चले जाते हो तो फिर से वो पावर पी मैक्स बाई टू हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, बार बार बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को, मान लो यहाँ की ओमेगा नॉट, यहाँ की ओमेगा वन, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दैट इज ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा वन, यही क्या होगा, बैंडविड्थ होगा डिनोटेड बाय डेल डेल ओमेगा। ठीक है, फॉर रेजोनेंस टू बी शार्प एंड द बैंडविड्थ शुड बी लेस एंड वी नो डेल ओमेगा इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर, रेजोनेंस शार्प है, शार्प रेजोनेंस होने के लिए बैंडविड्थ की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। रेजोनेंस शार्प होने का मतलब क्या है, कि जैसे ही आप 93.5 पे ट्यून इन करोगे तो एकदम क्लियर आवाज़ आने लगे और बढ़िया गाना आपको सुनाई देने लगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग शार्प रेजोनेंस। अगर आपने 93.5 पे ट्यून इन करा और उस पर आपको क्लियर वॉइस नहीं आ रही, क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, गाना प्रॉपर नहीं सुनाई दे रहा, तो उस रेजोनेंस को हम लोग शार्प रेजोनेंस नहीं बोलेंगे। तो शार्प रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, बैंडविड्थ जो है वो छोटी होनी चाहिए। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमने देखा कि क्या होता है, आर अपॉन एल होता है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और एल की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपसे कंडीशन पूछता है फॉर अ शार्पर रेजोनेंस कि आर की वैल्यू कैसी होगी, तो मैं बोल दूंगा फॉर अ शार्पर रेजोनेंस आर शुड बी स्मॉल, आर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और एल शुड बी लार्ज, एल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो जिस किसी एलसीआर सर्किट का आर जितना छोटा होगा या एल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसके लिए रेजोनेंस क्या आ जाएगा, उतना ही शार्पर आ जाएगा। तो बात क्लियर हुई होगी कि शार्पर रेजोनेंस क्या होता है और शार्पर रेजोनेंस को कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे अटेन किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का और कवर अप कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम लोग क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर उसे शॉर्ट में लिखते हैं। इसका क्या है फॉर्मूला, क्या तरीका है निकालने का, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा नॉट, और बैंडविड्थ जो कि क्या था, आर अपॉन एल के बराबर था, उसका रेशियो होता है क्या हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी एंड बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल, यहाँ से पुट कर दिया तो मेरे पास में क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या आ गया, वन अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, वन अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। तो अगर क्वालिटी फैक्टर सपोज करो मुझे हाई करना है, क्वालिटी फैक्टर मुझे हाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम लेना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एल की वैल्यू को ज़्यादा लेना पड़ेगा और सी की वैल्यू को कम लेना पड़ेगा। तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, एल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और सी की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे भी बोला था कि आर की वैल्यू छोटी है और एल की वैल्यू क्या है, बड़ी लेनी है। तो वही सेम कहानी यहाँ पे है कि क्वालिटी फैक्टर बड़ा रखना है आपको
क्वालिटी फैक्टर बड़ा रखना है तो आर की वैल्यू छोटी, एल की वैल्यू बड़ी और सी की वैल्यू भी छोटी लेनी पड़ेगी। तो यानी कि गुड ट्यूनिंग के लिए, गुड ट्यूनिंग मतलब आपको क्या करना है, क्वालिटी फैक्टर अच्छा लेना है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। गुड ट्यूनिंग का मतलब वही है कि 93.5 पे ट्यून इन करा तो गाना एकदम अच्छा सुनाई दे रहा है। देखो एफएम में भी चला के आपने देखा होगा तो किसी किसी फ्रीक्वेंसी पे, जैसे जो चैनल एक्चुअली जो चैनल एग्जिस्ट करते हैं उसमें क्लियर सुनाई नहीं देता किसी किसी चैनल पे, तो उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। जिसकी ट्यूनिंग अच्छी है उसका जैसे ही आप 93.5 पे ट्यून इन करोगे बिल्कुल बिल्कुल झरझर कैसी भी नहीं आएगी और आपको क्लियर सुनाई देगा। लेकिन कुछ कुछ चैनल की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि उस पर भी हल्की बहुत झरझर आती रहती है क्योंकि उसके लिए गुड ट्यूनिंग नहीं हो रखी है। तो गुड ट्यूनिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो शार्पर रेजोनेंस होना चाहिए। शार्पर रेजोनेंस बता दिए कैसे अटेन करेंगे, स्मॉलर बैंडविड्थ होनी चाहिए वो भी बता दी कैसे अटेन करेंगे, और क्वालिटी फैक्टर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर बड़ा कैसे करेंगे ये भी यहाँ पे हमने बता दिया। तो अब आप लोग पूरा रेडियो चलाना सीख चुके हैं कि रेडियो किस तरीके से चलता है, अब तक तो सिर्फ चलाया ही होगा, अब पूरा सीख चुके हैं काम कैसे करते हैं एक्चुअली रेडियो। तो आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, रेडियो की दुकान खोल सकते हो, रेडियो रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो अपना। ये चलिए मजाक था, ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्या कराएंगे हम लोग, LC ऑसिलेशन एक टॉपिक रहता है भाई इस पार्ट से रिलेटेड। वैसे AC समझ लो कि AC का एक पार्ट खत्म हो गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है वो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूँगा, लेकिन एक टॉपिक रह गया LC ऑसिलेशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके नोट्स बना के आपको भेजने की, उससे समझाने की, अगर हो पाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाऊँगा तो बोर्ड पर समझा दूँगा उसे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर LC ऑसिलेशन हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज शुरू करा देंगे आपको, यानी कि मोटर और ट्रांसफार्मर पढ़ा दूंगा मैं आपको, और उसके बाद में एट लास्ट मैं LC ऑसिलेशन समझा दूंगा। तो LC ऑसिलेशन ये मैं सोचना कि छुड़वा दिया टॉपिक, LC ऑसिलेशन कराएंगे, पर वो प्रॉब्लम है कि मतलब इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर से समझाने में उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं उसे टालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे तो जब समझा देंगे। चलिए समझ में आ गई होंगी सारी बातें, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, बाय बाय।